अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बिरयानी यानी कि अंडा बिरयानी की रेसिपी। इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए आप मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। एक बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 अंडे लिए हैं। अंडों पे मैं थोड़ा सा फोक की मदद से इस तरह से मैं इस पर कट्स डालूँगी। और फिर मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 आलू। आलू को मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस किए हैं, और अभी मैं इन्हें मैरिनेट करूँगी नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और मैं इन्हें साइड में रख दूँगी। अभी दूसरी तरफ से मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 4 हरी इलायची, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 2 से 3 मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूंगी, और नमक मैं अपने स्वाद के अनुसार यानी कि मैंने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। इन्हें मैं मिक्स करूंगी और बॉईल होने के लिए रख दूंगी। अभी दूसरी तरफ से मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। इसमें मैं प्याज को डीप फ्राई करूंगी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 प्याज ली है लंबी स्लाइस की हुई, और इन्हें मैं हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। और प्याज फ्राई करते वक्त मैं इसमें ऐड करूँगी नमक ताकि प्याज थोड़ा जल्दी से फ्राई हो जाए। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। यहाँ पे मैंने 1/2 kg बासमती राइस लिए हैं, आप नॉर्मल राइस भी ले सकते हो। चावल ऐड करने के बाद इसे मिक्स करूँगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। अभी प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। प्याज निकालने के बाद मैं जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसे भी निकाल लूँगी, और बस 3 से 4 टेबलस्पून मैं इस कढ़ाई में रखूँगी। और सेम कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी मैरिनेट किए हुए आलू। 1 by 1 मैं इसमें आलू को ऐड करूंगी, और आलू को मैं अच्छे से सॉफ्ट और ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। अभी ये आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसमें ऐड करूंगी मैरिनेट किए हुए अंडे। अंडों को भी मैं हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। अगर आप अंडे फ्राई नहीं करना चाहते हो तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। अभी आप देख सकते हैं अंडे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। और सेम कढ़ाई में मैं ऐड करूंगी 1 टमाटर स्लाइस किया हुआ, और टमाटरों को हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। अब ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं यानी कि फ्राई हो चुके हैं, तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। अभी ये फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, तो इसमें मैं ऐड करूँगी ड्राई स्पाइसेस। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया और जीरे का पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ऐड की है, और मैं इन्हें 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी दही। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून दही ऐड किया है। अगर आप दही ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप टमाटर थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिए। अब ये दही अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 हरी मिर्च। हरी मिर्चों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे, और अभी मैंने इसमें ऐड किया है नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कीजिए। और फिर मैंने तली हुई प्याज को इस तरह से क्रश करके इसमें ऐड किया है। तली हुई प्याज ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से फ्राई कीजिए 1 मिनट के लिए, और आप इसमें ऐड कीजिए अंडे और आलू। अगर आप आलू यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो।
अंडे और आलू को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और अभी मैंने इसमें ऐड किया है बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला मैंने ऐड किया है, और धनिए के पत्ते मैंने थोड़े से ऐड किए हैं, और थोड़े से पुदीने के पत्ते मैंने इस तरह से हाथ से तोड़ के इसमें ऐड किया है। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैंने यहाँ पे हाफ ग्लास ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढक के हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है हम चावल भी चेक कर लेते हैं। अभी ये चावल जो है अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो अभी हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। अभी ये अंडों की ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो चुकी है, तो हम फ्लेम को करेंगे ऑफ। और चावल भी मैंने स्ट्रेन कर लिया है, तो अभी हम इसे करते हैं लेयरिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल का फर्स्ट लेयर ऐड किया है, हाफ राइस मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और अभी मैं इस पे ऐड करूँगी अंडों की ग्रेवी। और फिर मैं इस पे ऐड करूँगी तली हुई प्याज। तली हुई प्याज ऐड करने के बाद मैं जो भी बचे हुए चावल है उसका मैं थर्ड लेयर यहाँ पे ऐड करूँगी। और थर्ड लेयर पे मैं ऐड करूँगी तली हुई प्याज का जो बचा हुआ तेल था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहे तो इस पे घी भी ऐड कर सकते हो। और अभी मैंने यहाँ पे केसर का दूध थोड़ा सा इस पे ऐड किया है, और थोड़ा सा फूड कलर ऑप्शनल है। और फिर मैं इस पे ऐड करूँगी तली हुई प्याज, थोड़े से धनिए के पत्ते, और थोड़े से मैं इस पे पुदीने के पत्ते ऐड करूँगी। और अभी मैं इसकी लीड ढककर इसे 20 से 25 मिनट के लिए दम होने के लिए स्लो फ्लेम पे रखूँगी। आप चाहे तो इस पे कुछ वज़न रख सकते हो। अभी 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। स्लोली आपको इसमें स्पून डालना है ताकि चावल जो है वो टूटे ना। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है, दम हो चुकी है अच्छे से, और इसे कलर भी अच्छा आया है। तो अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं एक सर्विंग प्लेट में। यहाँ आप देख सकते हैं इसके राइस जो है बहुत अच्छे से खिले खिले पके हैं। आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और आप इसे गार्निश कीजिए तली हुई प्याज और थोड़े से पुदीने के पत्तों के साथ। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।